अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग रह गए हैं? मैं कॉप ब्रांड वीडियो के साथ। मेरी एनोनिमस पब्लिक, मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बात करूँगा कि आप कैसे 1v4 कर सकते हो, कैसे आप क्लोज में विन कर सकते हो, कैसे आप अपना गेम इम्प्रूव कर सकते हो। आज हम इसी पर बात करेंगे और काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ आज कोई मैं सस्ती शेयर सुना के मतलब फ़नी नहीं करना चाहता, मैं इस गेम को एकदम सीरियस रखना चाहता हूँ कि आप लोग सीरियसली सुनो, सीरियसली देखो, सीरियसली सीखो और आप सीरियसली इम्प्रूव करो। तो मेरी एनोनिमस पब्लिक, काइंडली लाइक बटन ठोक देना अगर आपको ये वीडियो हेल्प करती है। 1% भी अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो लाइक बटन ठोक देना। अगर बिना मतलब वीडियो पूरी देखे आप लाइक बटन ठोक के मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देना पब्लिक। अब हमेशा की तरह इस गेम प्ले में क्या होता है कि ऑल पे भी गालियाँ वालियाँ चल रही होती हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आपको अपना क्लोज इम्प्रूव करना है ना, मैं बताता हूँ आपको क्या बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपको अपना गेम प्ले क्लोज में इम्प्रूव करना है, सबसे पहले आपको TDM में भाई M24 चलाना छोड़ना पड़ेगा। TDM में स्नाइपिंग जॉब करते हो, ऐसी चीज़ों से आपको इज्तनाब करना पड़ेगा, इनको कम्प्लीटली छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको क्लासिक में भी स्नाइपर नहीं चलानी, मिनी 14 नहीं चलानी, आपको DP28, हाँ DP चलो समझ लगती है लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा DP भी नहीं चलानी, मिनी SKS SLR ऐसी गन्स नहीं चलानी, आपको कॉर्नेटेड ऑम नहीं चलानी। आपको जो गन्स चलानी है वो चलानी है एकदम पावरफुल। पब्लिक एक बात मैं बोलूँ, आप लोगों ने मुझे इतने टाइम से देखा, इतना फॉलो किया, इतना कुछ मुझसे सीखा या मतलब बहुत सी मेरी गलतियाँ भी देखी होंगी, आपको पता है इतना टाइम से खेल रहा हूँ लेकिन आज भी अगर मैं M4 लेके किसी ऐसे प्लेयर को, अच्छे प्लेयर को माना जाता हूँ जो कि AKM चला रहा है, बैरल चला रहा है या फिर कोई बेटर गन चला रहा है, तो गाइस वो मुझे ईजिली डाउन कर देगा। तो मैं मतलब ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको क्लोज में अच्छा बनना है, आपको अपना क्लोज रेंज अच्छा करना है, आपको 1v4 1v3 1v2 इसमें महारत हासिल करनी है, तो भाई आपको सबसे पहले अपना गेम स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ना आपको स्नाइपर चलानी है, ना आपको ऐसी कोई गन चलानी है जिससे आपका क्लोज में जो यूसेज है, जो मतलब कोई भी आपको गन चलानी है क्लोज में वो आप नहीं चला पा रहे हो, स्नाइपिंग पर फोकस कर रहे हो, तो गाइस वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। तो पब्लिक दूसरा क्या सीन है कि आपको ना अपनी एक ही गन सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ बैरल और AKM, इन दोनों में से आपको एक बेटर गन सेलेक्ट करनी है जो आपको अच्छे से चलाना आती हो। अब यहाँ पे मैं टॉमी उठाऊँगा और आपको टॉमी का शो दिखाऊँगा। शॉर्ट गन एक बेस्ट होती है, शॉर्ट गन अगर आप चलाना चाहते हो, आप शॉर्ट गन में महारत हासिल करना चाहते हो, मैं आपको कहूँगा कि आप DBS चलाओ। क्लोज में अगर आपको इम्प्रूव करना है, आपको शॉर्ट गन अच्छी चलानी आती है, तो आप DBS पे अपना हाथ बिठाओ, DBS पे प्रैक्टिस करो, DBS का किंग बन जाओ। अगर आपको SMG पसंद है जो कि कम स्पेस लेती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका डिवाइस इशू भी थोड़ा बहुत है और मतलब आपको शॉर्ट गन चलानी है और सॉरी SMG चलानी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप टॉमी गन चलाओ। इसका रीज़न गाइस इसमें ना 50 MO हो जाती है। आप फ्री फायर दे लो, आपके सामने दो बंदे आ जाते हैं, आप इजीली टॉमी से डाउन कर दोगे। उजी बहुत अच्छी है, उजी बीस्ट है क्लोज में, मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उजी ना उठाओ, लेकिन पब्लिक टॉमी और उजी अगर आप मुझसे पूछोगे, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, तो मैं टॉमी बोलूँगा क्योंकि इसमें 50 MO डलता है और बहुत पावरफुल गन है ये। अभी यहाँ पर मैंने एक बंदे को डाउन किया, ये मैं बोल नहीं रहा, इस गेम प्ले में प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि टॉमी कितना पावरफुल गन है और ये मतलब 1v2 उजी से ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से कर सकती है। अब यहाँ पे देखना पब्लिक यहाँ पे क्या सीन होता है, एक बंदा ऊपर आ जाता है, पीछे इसके 3 बंदे होते हैं, यहाँ पे ना मेरी गंदी फाइट हो जाती है, मैं बहुत गलत तरीके से फंस जाता हूँ, मेरा निकलना ना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है पब्लिक। तो पहले मैं ना यहाँ पे रुकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो इतने ज़्यादा बंदे 3 के 3 मेरे करीब आ रहे होते हैं कि मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आकर उसको बाहर निकाला और जैसे ही बाहर निकला पब्लिक, ये मैंने टॉमी से 2 बंदे लिए, अब मैंने गन चेंज की। और अगर आप क्लोज में मुझे बताओ पब्लिक, ये क्लच यहाँ पे मैं दोबारा पहले रिपीट करता हूँ, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। अगर यहाँ पे पब्लिक मेरे पास कार्नेटी होती, मिनी 14 होती, SKS होती, तो मैं बताओ कैसे आखिरी बंदे को गन स्विच करके मार सकता था। अगर आपको क्लोज में इंप्रूव करना है, सबसे पहले आप जो गन शुरू में पकड़ रहे हो, रीलोड मतलब रीलोड लग गई तो चेंज करोगे ना, लेकिन रीलोड से पहले आप जो शुरू में गन यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं टॉमी कर रहा हूँ, तो वो एक बीस्ट गन होनी चाहिए जो कि सामने वाले एनिमी को बहुत अच्छे से डैमेज दे सके। देखो मैंने अभी टॉमी उठाई हुई थी, 30 MO बची है इसमें, ठीक है, और ये बहुत पावरफुल गन है, 31 MO है। मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मैं उनको थोड़ा सा पैनिक करना चाहता हूँ। आपको अपने अकल इस्तेमाल करनी है और आपको अपना एम इम्प्रूव करना है और आपको वही गन्स चलानी है TDM में भी और क्लासिक में भी जो आप अच्छे से चलाते हो, जो पावरफुल हैं, जिसमें से एक आप 7 की MO की रखो, 7 की MO की नहीं रखना चाहते तो एक आप SMG रखो, SMG नहीं रखना चाहते तो एक आप रखो
शॉटगन वगैरह जैसे कि DBS बहुत ही पावरफुल है, और दूसरा आप DP चला सकते हो या M4 चला सकते हो 3x 4x के या 6x के साथ। पब्लिक यहाँ पे देखो मैंने प्रीफर दिया, अब मेरे पास 22 MO बची। टॉमी इतनी पावरफुल है, ये देखो पहले मैंने एक को लिया यहाँ पे और फिर मैंने फ़ौरन से गन स्विच करके दूसरे को लिया, और उसके लिए मैंने क्राउच कर लिया था। क्राउच करने के लिए का रीज़न ये था कि वो बंदा उसका एम थोड़ा सा बिगड़ जाए। ये देखो गन स्विच की और प्री फायर पब्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो मैंने पहले गोलियाँ मारना शुरू की, उसने गोली बाद में चलाई, अगर वो पहले चलाता तो शायद मुझे मार देता। तो यहाँ पे गन चेंज करने का ऑप्शन आपके पास होना चाहिए अगर आपको क्लोज रेंज में इंप्रूव करना है, क्लोज रेंज में महारत हासिल करनी है, एक अच्छा क्लोज रेंज प्लेयर बनना है। तो ऐसे करके यहाँ पर मैंने ये वाली फायर निकाली पब्लिक। और उसके बाद मैं आपको दोबारा, ये तो चलो एक हो गया, बहुत से लोग ये भी कहेंगे तुक्का लग गया कुछ भी, चलो मैं आपको एक और क्लच दिखाऊंगा टॉमी के साथ ही। कि टॉमी को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप क्लोज में अगर आपको गेम इंप्रूव करना है, आपको शॉटगन चलानी है या 7 KMO चलानी है या फिर एक SMG चलानी है जैसे कि उजी और टॉमी। तो पब्लिक यहाँ पे मैंने रिलोड वगैरह की, और मुझे अगर मैं फिर कहता हूँ पब्लिक, अगर यहाँ पे आपको एक क्लच अच्छा लगा या ये गेम प्ले से हेल्प मिल रही है, थोड़ा भी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पब्लिक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर देना। और इस वीडियो पे 80,000 लाइक्स प्लीज़ 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 मेरी अनिशियली रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से कि प्लीज़ 80,000 लाइक्स आपने करवाने हैं। बेशक आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके करो, आप अपने फैमिली की आईडी से करो, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी सपोर्ट करना। बहुत दिल से समझा रहा हूँ, बहुत दिल से आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो होप सो आप मेरी भी हेल्प करोगे। अब पब्लिक यहाँ से फिर मैं निकलता हूँ, मुझे और बंदे ढूंढने जाना था। मैंने फिर से टॉमी उठाई हुई है, 50 का एक्सटेंडेड मैग इस पर लगा हुआ, और एक्सटेंडेड मैग लगने से 50 MO उसकी हो चुकी है, साथ में मुझे M4 मिल गई थी तो मैंने इसका ली थी M4 उठा ली, और मैं बगीले के बंदे ढूंढने निकल जाता हूँ। रोजो की तरफ पब्लिक में जा रहा था कि वहाँ पे अगर मुझे बंदे मिलते हैं तो मैं मतलब फ़ाइट लूँ। तो होप सो मैंने जो आपको समझाया कि आपको गन सेलेक्ट करने में बहुत, अगर आपको लाइक क्लोज में अच्छा नहीं बनना, स्नाइपिंग अच्छी करनी है, तो बेशक स्नाइपिंग की प्रैक्टिस करो, लेकिन मैं आपको बताऊँ पबजी में कॉम्पिटिशन टफ होता जा रहा है, और क्लोज में जो अच्छा होता है वही हमेशा जीतता है। तो अपना क्लोज गेम प्ले अच्छा करो पब्लिक, अपनी फेवरेट गन से, जो कि मैंने आपको बताया कि आप कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास हैं, कभी भी 5 की MO वाली गन सिर्फ यूज़ मत करो अगर आप क्लोज में खेल रहे हो, मतलब सिर्फ M4 कार्नेटेड, M4 SKS मिनी ऐसी गन्स मत चलाओ, M4 ऑम नहीं। आप एक क्लोज में अच्छा, अगर आपको लाइक स्नाइपर चलानी है ना, तो फिर भी आप अच्छी गन पास रखो, जैसे बैरल, ग्रोजा, MK ऐसी गन के साथ आप स्नाइपर चला सकते हो, 7 KMO के साथ आप स्नाइपर चला सकते हो, लेकिन 5 KMO के साथ कभी भी स्नाइपर नहीं चलाओ। सामने वाला अगर आप उसका थोड़ा भी डिवाइस अच्छा है, पिंग अच्छा है, वो आपको अगर बेटर गन यूज़ कर रहा है आपको डाउन कर सकते हैं पब्लिक। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं एक और फाइट कि यहाँ पे क्या सीन हुआ। यहाँ पे मुझ पर रश होता है, 3 बंदे थे ये, मैंने जितने नेट्स थे स्पैम कर दिए, ठीक है पब्लिक, और इसके बाद एक नेट से ये हॉक गेमिंग नॉक हुआ, इसका आप नाम याद रखना, ये लो था और रिवाइव होकर खड़ा हुआ था तो ये जल्दी मर जाता, लेकिन फिर भी आप इसका नाम याद रखना, मैं बताऊँगा क्यों। जैसे नॉक दिया मैंने इन पर प्रेशर बनाने के लिए, पहले डोर से गया, फिर मैं डोर के बाहर से जाता हूँ, उनको पैनिक करने के लिए मैंने जगह चेंज की, और ये बंदा इनका बाहर से यहाँ से जंप करके आएगा, मैंने इसको डाउन किया फ़ौरन से, और इसने मुझे ज़रा भी डैमेज दिया था, इसने मुझे काफ़ी डैमेज दिया, और फिर मैंने फ़ौरन से हॉक गेमिंग को भी लिया। ये देखो अब हॉक गेमिंग की हेल्थ कम थी, वो रिवाइव होकर इसने हील नहीं किया था, मुझे पुश किया इसलिए मैंने उसको मारा। यहाँ पे 1v3 किया मैंने सिर्फ SMG से, वो गन जो कि क्लोज में आपको एक अच्छा प्लेयर बना सकती है और काफ़ी पावरफुल होती है। तो अगर मैं यहाँ पे गैस M4 यूज़ करता ना, तो मे बी ये लोग मुझे मार देते, क्योंकि M4 से आपको काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ मारनी पड़ती हैं। M4 को आप स्प्रे के लिए यूज़ कर सकते हो, 3x 4x या 6x जो आप भी चलाते हो, जो भी आपको पसंद है। पब्लिक यहाँ पर मैंने अपने आपको बूस्ट किया, क्लोज रेंज फाइट के लिए रेडी किया, नेट से बंदा नॉक था, और पहले मैंने M4 निकाली, लेकिन मैंने फ़ौरन स्विच की अपनी क्लोज रेंज की गन पे, और मैंने इन पर कर दिया पुश। अब स्लो में मैं थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से बेटर तरीके से समझ सको, अक्सर मैं ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ मतलब सिखाना चाहता हूँ, या काफ़ी कुछ आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आप इम्प्रूव कर सको, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने आप को लाइक बेटर पबजी प्लेयर बना सको, एक अच्छा और अच्छा पबजी प्लेयर बना सको। गाइस जो दुनिया का सबसे अच्छा पबजी प्लेयर है ना, वो भी अपने आप को और बेटर कर सकता है, ये सब प्रैक्टिस से होता है, ये सब आपके IQ से होता है, आप कैसा अपने आपका गेमिंग सेंस कैसा है, आप कितना दिमाग यूज़ करते हो, उस सबसे होता है। अब एक बेटर गन सेलेक्ट करना गाइस, ये भी तो दिमाग यूज़ करना हुआ ना, ये भाई सब बाहर हैं, लेकिन इन्होंने ना गाइस अपना जंप ही ऐसा किया कि ये मुझ पर एम नहीं कर पाए, फैल्कन को मैंने पे डाउन किया। अब मेरे पास 36 MO है, ये मैंने जंप किया, मैंने थोड़ा सा मिस किया पहले, और उसके बाद मैंने एम अपना ठीक किया, ड्रॉप शॉट मारने लगा था फैल्कन लेके, मैंने उसको भी डाउन किया, और हॉक की हेल्थ वैसे ही कम थी तो हॉक भी यहाँ पर मर जाता है। तो ऐसे क्लोज करके गाइस मैंने ये फाइट ले ली थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी तो मैंने इनको मारे था, एक और पुश आ जाता है मुझ पर, और यहाँ पे मैंने सारे नेड्स अपने पहले वेस्ट कर दिए थे,
तो सारे ने वेट वेस्ट करने की वजह से गाइस ये वाली फाइट निकालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चार बंदे पूरे आ गए थे और मैं पे वेट कर रहा था, उसका रीज़न ये था, मैंने कहा साउंड नहीं दूंगा, कोई भी बंदा है ना क्लोज में पहले उसको मार दूंगा, उसको लाइक कैंप करके आप कह सकते हैं या होल्ड करके या बिना फुटप्रिंट के मार दूंगा, और जैसे वो उसके वो नॉक होगा उसके टीममेट प्रेशर में आएंगे और मैं फाइट ले लूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक को डाउन किया और यहाँ पे जो वाइट वाला दो को डाउन कर दिया, ठीक है पब्लिक। अब देखो टॉमी का जादू देखा आपने, दो बंदे डाउन है लेकिन यहाँ मेरी स्क्रीन अटकना स्टार्ट हो गई और उनके दो बंदे ना उनको जल्दी से रिवाइव देना स्टार्ट हो गए। दो थे तो मुझे रश करना पड़ा, पहले यहाँ पर आया फौरन से ही देखो मेरी स्क्रीन अटक जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसलिए पैनिक हो रहा था कि मेरी स्क्रीन ना अटक रही थी यहाँ पर, वरना दो तो मैंने नॉक दे दी थी और बड़ा मज़ेदार तरीके से नॉक दे दिए थे। अब मैं नीचे जम करके मैं पुश करता हूँ कि दो नॉक हैं लेकिन यहाँ पे ये सारे के सारे बच्चे एकदम से पुश करते हैं और इजीली मार देते हैं। तीनों बंदे खड़े थे, इनके रिवाइव हो गया था, तो ऐसे करके मैं फाइट हार जाता हूँ। लेकिन आपने देखा टॉमी का मैजिक कि मैंने कैसे वहाँ पे दो बंदे नॉक किए थे फिर से क्लोज। और फिर पब्लिक ये वाला, अब इस ये थोड़ी अलग टॉपिक है, ठीक है। एक तो मैंने आपको गन वाला टॉपिक बता दिया कि अगर आपको इम्प्रूव करना है आपको एक तो चाहिए गन और बाकी ये जो है ना इस वीडियो को दिखाने का मकसद टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपको गन नहीं चाहिए पब्लिक, यहाँ पे आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। आपको एक अच्छी गन के साथ साथ आपको अपने ब्रेन के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना है। देखो हेलमेट नहीं है, जस्ट वेस्ट है, वहाँ पे फाइट हो रही थी तो मैंने कहा थर्ड पार्टी करता हूँ, M4 लेके जा रहा हूँ। हालांकि M4 एक क्लोज रेंज में अच्छी गन नहीं है लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई करना है पब्लिक। अब यहाँ पे ये थर्ड पार्टी करने का बेस्ट मौका था, मैंने यहाँ पे दो नॉक दे दिए। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी गन है, एक अच्छी डिवाइस है और अगर आप मतलब Level 3 भी उठा रहे हो लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपको खुद पर भरोसा ही नहीं है, तो आप नहीं एक अच्छा प्लेयर बन पाओगे। अब देखो मैंने यहाँ पे दो नॉक दिए, दो बंदे बचे थे, सामने वाले के पास मुझसे बेटर गन है और मेरे पास हेलमेट भी नहीं है। वो बंदा उजी लेके सामने खड़ा है, वो निकला बाहर, मैंने उसकी गन देखने के लिए यहाँ पे फ़ौरन से अंदर हो गया। अभी उसको नहीं मारा, मैं देखने जाता हूँ उसके पास कौन सी गन है। उसके पास उजी थी, यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया, मुझे आइडिया हो गया था कि उसकी रीलोड लगने वाली है या उसकी रीलोड लग चुकी है, तो मैंने उसको रश किया। और मैं पे डिसाइड कर चुका था कि मुझे ड्रॉप शॉट मारना है, तो मैंने पहले जंप किया, अब उसको लगेगा मैं सिर्फ जंप कर रहा हूँ, ठीक है पब्लिक। मैंने फ़ौरन से ड्रॉप शॉट मारा, वो पैनिक हुआ, उसकी बुलेट जो है मिस हुई और मैंने उसको यहाँ पर डाउन कर दिया। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल, घबराना नहीं होता पब्लिक, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रखो। अब ये तीन नॉक हैं, चौथे का साउंड मुझे आ गया कि वो राइट से आ रहा है, मैं यहाँ पे पैनिक नहीं हुआ, मैंने उसके तीन बंदे नॉक कर रखे हैं, मुझसे ज़्यादा पैनिक सामने वाला होगा, पैनिक नहीं हुआ, वेट किया उसका और पीक से मारना उसको, क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं है, मैंने सामने नहीं जाना था। मैंने यहाँ पे पीक ली फ़ौरन से और उसका साउंड लेते लेते उसको फायर किया और उसको भी कर दिया डाउन, उसके पास भी हेलमेट नहीं था। तो ऐसे ये वाला पूरा का पूरा स्क्वाड हो गया वाइप पब्लिक। देखा आपने कि आपको एक अच्छी गन चाहिए, आपको अपना क्लोज अच्छा करने के लिए कॉन्फिडेंस भी चाहिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस है आप एक बहुत अच्छे पबजी प्लेयर बनोगे और बन सकते हो या शायद आप हो भी। तो यहाँ पे ये वाला फाइट मैंने ऐसे निकाली थी पब्लिक, होप सो मेरे एनोनिमस पब्लिक, मैंने बहुत दिल से कोशिश की है कि आपको कुछ सीखने को मिले और काफ़ी दिनों बाद मैंने कुछ अलग वीडियो बनाई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लाजमी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ज़रा भी एक परसेंट भी कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगे ना तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूँ, बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे काम कर देता हूँ कि शायद किसी का दिल दुखा दूँ जाने जाने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, प्यार करते रहना मेरी एनोनिमस की पब्लिक। फ़ैन किसी की भी हो जाओ, पब्लिक सिर्फ एनोनिमस की रहना, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना पब्लिक। दिल से लव यू सो मच, आप सबको गीली चुम्मी, बहुत ज़्यादा प्यार। और मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो का टाइम पूरा हो जाए 14 मिनट और मैं वॉइस ओवर बंद करूँ और सो जाऊँ, मुझे बड़ी नींद आ रही है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू मेरी नानी, आप सबको गीली चुम्मी, बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।